बिहार में शहनवाज हुसैन का ममता पर तंज, सीएम की तनख्वाह से ज्यादा दीदी पेंटिंग करके कमा लेंगी, जनता कर रही अपने आप को ठगा महसूस। मधुपुर उपचुनाव में सियासी जंग तेज, थम गया चुनाव, चुनावी प्रचार अभियान विधानसभा क्षेत्र छोड़कर रांची लौटे सीएम सोरेन। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा, कंटेनमेंट जोन पहुंचे डीएम और एसएसपी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बेतिया में आग का भयावह रूप, गोदाम में रखे 50 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट, लोगों का हुआ बुरा हाल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को तंज किया है। शहनवाज ने कहा कि 2 मई के बाद दीदी को मुख्यमंत्री में जितना तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा पेंटिंग कर कमा लेंगी, लेकिन नुकसान अभिषेक को होगा क्योंकि जो कमाई आती थी वह उनकी बंद हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि दीदी की सरकार मां माटी मानुष के नाम पर आई थी, लेकिन अब जनता ठगा महसूस कर रही है। जितना तनख्वाह उसको मुख्यमंत्री में मिलता है उससे ज्यादा दीदी पेंटिंग करके कमाई। हाँ, वो जो अभिषेक को नुकसान होगा कि जो इनकम आता है वो इनकम बंद हो जाएगा। हम लोगों ने पहले कहा कि दीदी दीदी नहीं रही, पीसी बन गई है, बुआ बन गई, वो भी सिर्फ अभिषेक की बुआ। बंगाल की जनता को जो मां माटी मानुष के नाम पे आई थी आज ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब शहनवाज हुसैन ने तंजिया अंदाज में कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो पेंटिंग करके ज्यादा कमा लेंगी। बिल्कुल रियाज, देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल खोला है, या भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार टीएमसी को लेकर के जो बयान देते रहे हैं, इस बीच में ममता बनर्जी एक दिन के लिए उनके ऊपर बैन लग गया था, जो इलेक्शन कमीशन है उसके आदेश के मुताबिक उनको एक दिन के लिए प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। और ममता बनर्जी ने इसके विरोध में सांकेतिक तौर पे धरना दिया था और वो प्रदर्शन अकेले उन्होंने किया था। और उस दौरान ममता बनर्जी ने पेंटिंग बनाई थी, 4 घंटे में उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, बाद में उन्होंने मीडिया को दिखाया और मीडिया वो पेंटिंग मीडिया ने उस पेंटिंग को देखा भी। तो लिहाजा शहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बिहार में अभी मंत्री है और कब कहाँ कैसे बोलना है ये बहुत बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि पेंटिंग पर अभी तक किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन शहनवाज हुसैन ने चूंकि स्टार प्रचारक भी है वो बंगाल चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए उन्होंने उस पेंटिंग पर तंज कसा, ममता बनर्जी पर तंज कसा कि अब ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद वो पेंटिंग ही बनाएंगी, मतलब कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, वो चुनाव हार रही है, टीएमसी चुनाव हार जाएगी तो ममता बनर्जी के पास कोई काम नहीं रहेगा और ये सिर्फ पेंटिंग बनाएगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी टीएमसी के जो लोग हैं या जो वो बेरोजगार हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो भाई उनके कहने का मतलब बहुत साफ है कि जो 2 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें तृणमूल कांग्रेस की हार होगी, ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल होगी, पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, ऐसा दावा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो जनाधार है, जो उनका जो जो काम करने की कार्यशैली है, उनका जो मन और मिजाज है, वो एकदम पब्लिक को जिस तरीके से कांटेक्ट कर लेता है या कनेक्ट कर लेता है, तो पेंटिंग के जरिए उन्होंने ये बताने और जताने की कोशिश की, विरोध किया उन्होंने कि प्रचार के माध्यम प्रचार जिस वजह से उनको करने से रोका गया,
या जिसके कारण उनको प्रचार करने के लिए चुनाव में कहा कि भाई आप एक दिन प्रचार नहीं कर सकते, तो सिर्फ ऐसा होता है। इलेक्शन कमीशन कई नेताओं के ऊपर बैन कर चुकी है बेवजह बेतुक के बयान पर या फिर कोई असंवैधानिक ऐसी बातें जिससे लगता है कि नहीं चुनाव प्रचार में जो है वो बाधा पहुंचा रहा है, तो उसके बयानों को लेकर के उसके ऊपर बैन लगाया जाता है। और यही कारण है कि टीएमसी के कई नेताओं के साथ साथ ममता बनर्जी के ऊपर भी बैन लगा था, और यही बैन के कारण ममता बनर्जी ने सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया, एक दिन का धरना दिया था और धरने में एक पेंटिंग बनाई थी, और यही पेंटिंग जो है फिलहाल अभी पॉलिटिकल पेंटिंग जो है पॉलिटिकल मुद्दा बन गई और शहनवाज हुसैन ने तंज किया। जी नियाज जी गौतम, लेकिन अगर हम बात करें दीदी शब्द का, जिस तरीके से दीदी शब्द का इस्तेमाल ममता बनर्जी के संदर्भ में किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहां तक कि यहाँ शहनवाज हुसैन ने दीदी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन दीदी शब्द एक काफी सम्मानित शब्द है, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के संदर्भ में ये कहीं ना कहीं इसका मतलब बदल जाता है, मतलब ये कि एक तंजिया अंदाज में उन्हें दीदी कहकर पुकारा जाता है। देखिए, दीदी राजनीति में एक शब्द है, अगर आप किसी के ऊपर अगर वो चीजें पॉपुलर हो जाती है तो उसी नाम से वो जाना जाता है। फिल्मों में भी ऐसा होता है, फिल्मों में भी आप देखिए ऋषि कपूर को चीची या गोविंदा को चीची या चिंटू ऋषि कपूर को, या जिसका जो नाम होता है उपनाम से जाना जाता है। दीदी शब्द रिश्तों में बड़ी बहन को कहा जाता है, लिहाजा ममता बनर्जी को बिहार की राजनीति में दूसरे नाम से दीदी के नाम से जाना जाता है। वो आज की स्थिति नहीं, वो जब शुरुआत की जो राजनीति रही है, जिस वक्त ममता बनर्जी को एनडीए के साथ में थी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में थी, जब उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, उस वक्त से ममता बनर्जी न कहते लोग उनको ममता दीदी कहती थी, और बाद में उन्होंने वही दीदी शब्द से पॉपुलर हो गई। लिहाजा बंगाल में 10 सालों में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल देखा है, तो तमाम जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो उन्हें सिर्फ दीदी कहके ही संबोधित करती हैं। तो ये इलेक्शन में ये शब्द इतना पॉपुलर हो जाएगा, शायद किसी को ये नहीं पता था। ये आमतौर पर बोली जाने वाली बोलने वाली भाषा थी या संबोधन करने की एक शैली थी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी कहके जो संबोधित किया, बाद में हालांकि उनको खुद बुरा लगा, ममता बनर्जी ने बाद में कहा कि मैं उनके दीदी कहने पे आपत्ति नहीं, लेकिन दीदी ओ दीदी बार बार कहना या उनके ऊपर जो है तंज कसना दीदी शब्द, गौतम मैं वही कह रहा हूँ कि दीदी तो एक सम्मानित शब्द है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर तंज कसने के तौर पर का इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस वही बात है न्याय की, कहने के जैसे अगर आपने दीदी कहा या जो दीदी शब्द को आपने अगर दीदी ओ दीदी कहा या आप कुछ और अंदाज में दीदी कह दिया, तो यही दौर चल रहा है बंगाल में। बंगाल में दीदी शब्द पर भी बगावत है। दूसरा कि आप देखिए, अब दीदी शब्द से शहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पे बुआ शब्द कह दिया, मतलब कि 10 साल की राजनीति में ममता बनर्जी ने जिस तरह से दीदी शब्द को या बुआ हालांकि राजनीति में मायावती को कहा जाता है, बुआ राजनीति में मायावती को कहा जाता है, और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी या अखिलेश भी बुआ शब्द से संबोधित करती है मायावती को। तो शहनवाज हुसैन ने एक शब्द से एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो उन्होंने कह दिया कि वो दीदी नहीं अब बुआ हो गई है, यानी कि अब वो मायावती हो गई। तो कहीं ना कहीं राजनीति में शब्दों का खेल है, और जो राजकीय प्रवक्ता होते हैं उनको पता होता है कि कब किस शब्द से कहाँ खेलना है, और यही कारण है कि कम शब्द में ज्यादा बातें कह जाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका में पश्चिम बंगाल भेजा गया है, और वो अक्सर इन बातों को लेकर के तंज कसते रहते हैं। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वही अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही जोर आजमाइश थम गई है। जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए चल रहा प्रचार अभियान बीते दिन शाम 5 बजे समाप्त हो गया। सीएम सोरेन भी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़कर रांची लौट गए। वे 9 अप्रैल से जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए थे। बता दें कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट के लिए जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। 2 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश, मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो चुनावी प्रचार है वो अब थम गया है, इसके बाद अब चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बाद अब क्या कुछ आगे की रणनीति हो सकती है दोनों पार्टियों की? देखिए, मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में अगर बात की जाए तो ये पूरी तरह से दोनों ही गठबंधन के लिए हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। एक और अगर कहा जाए जिस तरह से एक और कहा जाए तो जिस तरह जी कामेश ताकि मधुपुर सीट जो है वो महागठबंधन के लिए पूरी तरह से जो है दोनों महागठबंधन के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन है उन दोनों के लिए नाकी सीट बन गई है। और जिस तरह से कल मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव है उसके लिए प्रचार का जो दौर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अब जो दौर शुरू होगा आज दो दिन महत्वपूर्ण है। और इन दो दिनों में जिस तरह से अगर बात की जाए 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इस दो दिनों में जो है डोर टू डोर प्रचार करने की जो बारी आ गई है। लेकिन मधुपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं इस उपचुनाव की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से यह सीट जो है हाई प्रोफाइल हो गई है। एक और जो है मंत्री हफीजुल हसन जो महागठबंधन के मंत्री हैं वो विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है गंगा नारायण सिंह जो आजसू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके जो मंसूबे हैं विधायक बनने के उस मंसूबों को सफल बनाने के लिए उन्होंने आजसू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन अब जो है स्थिति जो है अब बहुत ही कम समय बचे हैं, 17 अप्रैल को चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले जो है अगर चुनाव की प्रचार की बात की जाए तो दोनों तरफ से दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया था। एक और जहां महागठबंधन की ओर से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना मोर्चा संभाला था तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी जैसे एक दिग्गज नेता जो संथाल के बहुत बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी पूरी तरह से इस चुनाव में कमान संभाला था। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 487 सीटों पर न्याय, जिस तरह से मैं बता दूं कि पहले यहां पे 409 सीटें हुआ करती थी लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर 487 सीटों पे अब 487 माफ कीजिएगा बूथों पे चुनाव होना है। तो ऐसे में यह देखा जाए तो एक और जो है पूरी तरह से जो कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। और इस बार के चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी हैं लेकिन मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के बीच में है। अगर चुनाव में अगर पिछले आंकड़े को देखा जाए तो 1995 से लेकर 2019 तक तो जहां 1995 में भारतीय जनता पार्टी 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं हाजी हुसैन अंसारी ने 3 बार हैट्रिक लगा चुके केएन झा को हराया था। उसके बाद 2000 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ये सीटें रही, हालांकि 2005 में जो है ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज परिवार ने जीत लिया था और 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद 2014 में राज परिवार और 2019 में एक बार फिर हाजी हुसैन ने सीट पर फतेह हासिल की थी। और ऐसे देखा जाए तो यह जो है विधानसभा
लोकसभा की बात की जाए अगर जनसंख्या के हिसाब से या वोटरों के हिसाब से तो यहाँ लगभग जो है 322,000 मतदाता है, जिनमें से 170,000 जो है पुरुष है और 151,000 जो है महिला मतदाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जहां पे 487 बूथों पे चुनाव होने हैं उनमें से 164 बूथ ऐसे हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं और इन बूथों पे सुरक्षा बल की पर्याप्त तैनाती भी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो है इस पे एक मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल पोलिंग बूथों पे, सभी पोलिंग बूथों पे मॉक ड्रिल होगी। उसके बाद एक एक कर जो है वहां पे समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या कमी है, ईवीएम में कहीं खराबी तो नहीं है, वीवीपैट सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसी एक और जहां निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है मधुपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर, तो दोनों पार्टियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो है उसकी तरफ से भी पूरी तरह से तैयारी हो गई है। लेकिन अब जो अहम दिन है ये दो दिन के बाद जिस तरह से चुनाव होंगे 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के बाद 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के साथ जो है 2 मई को जिस तरह से गिनती होगी तो मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव है उसकी भी गिनती उस समय होगी और उस समय यह फैसला हो पाएगा कि मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं इसमें जीत किसकी होगी। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक और अगर पिछले चुनाव 2019 की अगर बात की जाए मधुपुर उपचुनाव को लेकर तो सबसे बड़ी बात यहां देखने को मिली कि गंगा नारायण सिंह जो हैं वो आजसू की टिकट से लड़े थे और 44,000 लगभग वोट लाए थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी जो है दिवंगत, उन्होंने लगभग 87,000 वोट लाए थे। तो ऐसे में जो यह आंकड़ा देखा जा रहा है नियाज कि लगभग जो है गंगा नारायण सिंह की तुलना अगर हाजी हुसैन के साथ की जाए तो गंगा नारायण सिंह हाजी हुसैन से लगभग 40,000 वोटों से पीछे रह गए थे। तो अब जो है अब समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। एक आजसू को छोड़कर गंगा नारायण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो उम्मीदवार थे वो 66,000 वोट लाए थे। तो ऐसे में कुल मतों की अगर संख्या जोड़ दी जाए भारतीय जनता पार्टी और आजसू का तो लगभग 1,00,000 होते हैं। तो ऐसे में आकलन भी लगाया जा सकता है कि जिस तरह से अगर इन दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है मंत्री हफीजुल हसन उन पे यह आंकड़ा कहीं ना कहीं भारी होता है। तो एक और देखा जा रहा है कि दोनों गठबंधन की ओर से इस सीट पे अपने अपने जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। जनता 2 मई को जो फैसला जो अपना मत देगी वो 2 मई को सामने हो जाएगा। तो ऐसे में यह सबसे बड़ी बात है कि जनता के हाथों में फैसला होना है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है, दावे कर रही हैं लेकिन फैसला आने के बाद ही यह झारखंड की सियासत में यह जो मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं ये उपचुनाव में जिसकी जीत होती है वो झारखंड की सियासत में झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा संदेश जो है छोड़ेगी कि आखिर अगर सरकार की विफलता रहती है तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके प्रत्याशी को हार मिलेगी। तो ऐसे में जनता ये स्पष्ट कर देगी कि पिछले 1.5 वर्षों के कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार ने जो कार्य की है उस कार्य को जो है जनता नकार दी है। लेकिन अगर इन सारे बातों को छोड़ दिया जाए तो वहां पे जो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी अगर पूरी तरह से बात की जाए, वहां के आसपास के परिवेश की बात की जाए तो वहां जो है वहां की जनता की अगर राय मानी जाए तो अब तक किसी भी पार्टी ने वहां पे ऐसे किसी बड़े विकास का कार्य नहीं किया जिसको लेकर जनता यह कह सके कि भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी प्रत्याशी जीत कर आए उन्होंने एक बड़ा काम किया। आज भी वहां की सड़कें बदहाल है कामेश, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो चुनावी प्रचार थे वो तो अब समाप्त हो गए हैं लेकिन अब जो चुनाव जिस दिन मतगणना होना है उस दिन जनता भी ये फैसला करेगी कि मधुपुर उपचुनाव की सीट किसके पाले में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेतिया से आगजनी का मामला सामने आया है जहां पर भीषण आग लगने से दुर्घटना की खबर सामने आई है। दरअसल पूरी घटना शहर के संत घाट स्थित एचपी गैस गोदाम की है जहां अज्ञात कारणों से लगी आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे 50 से अधिक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीएम कुंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटना का जायजा भी लिया और साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस लगातार रूप से
माइकिंग के जरिए लोगों से भीड़ नहीं इकट्ठा करने की अपील कर रही है। तो उस समय लगभग 12:15 के लगभग ये पता चला कि यहाँ पे जो है आग लगी है संत घाट के पास, और उसमें बताया गया कि कहीं गैस का गोडाउन है उसमें लगी है, और हर 5-10 मिनट में एक जो है ब्लास्ट की भी आवाज आ रही है। तत्काल हम लोगों ने सारे जितने भी हमारे आपदा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने पदाधिकारीगण हैं सबको एक्टिवेट किया गया, और फायर ब्रिगेड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इन लोगों ने काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल टीम को भी एक्टिवेट किया गया, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज सभी को किया गया। मैं भी संत घाट आया हूँ, कैसे आग लगी है क्या लगी है मुझे भी जानकारी नहीं है, वस्तु स्थिति की जानकारी को तो फिर आपको बता दिया जाएगा। गैस गोदाम में आग जो लगी थी एकदम शांत है, प्रशासन पूरे तत्परता से लगी हुई है आग बुझाने में, प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं है, काम हो रहा है और आग बुझ भी गई है। गोडाउन के भीतर आग नहीं लगा है, गोडाउन के बाहर आग लगा हुआ था, गोडाउन सुरक्षित है। बाहर जो 10-5 सिलेंडर था वही धमाक। शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अजय, आगजनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये मैं आपको बता दूं कि बेतिया की राधिका जो थी गैस एजेंसी है जो कि बेतिया से बाहर एक संत घाट है वहीं पे ये घटना हुई, लेकिन आग इतनी जोरदार थी जितने लगभग 15-20 जितने भी सिलेंडर सारे ब्लास्ट कर गए, और इसकी अवशेष पूरे शहर में इतना धमाका था कि काफी बार उठ रहा था जी। इसके बाद यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा पूरी टीम गई, बाहर से भी मोतिहारी से बगहा से फायर ब्रिगेड की टीम लगाई गई, तब जाके घंटों मशक्कत करने के बाद आग काबू पाया गया। जी जी, क्या इसमें किसी के जान माल का नुकसान हुआ? नहीं नहीं, इसमें किसी की अभी तक जान माल की कोई नुकसान की कोई मतलब सूचना नहीं है। अभी तक वहाँ कैसे बल्कि जितने मकान थे सभी लोग अपने अपने घर खाली समय कर दिए थे, और सबसे ज्यादा वहाँ परेशानी हुई कि लोग मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन के द्वारा माइकिंग कराई गई कि आप लोग इससे दूर रहे, धमाका आ रहा है, हो सकता है कि इसकी चोट आप तक पहुंच जाएगी। फिर तो अब तक जाके लोगों को भी हटाया गया, और काफी घंटों मशक्कत के बाद ये वहाँ के फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पे काबू पा लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।